साइकोलॉजिकल हेल्थ और जो कोविड-19 जो कोरोना वायरस है जो कि पूरी दुनिया में इस टाइम ग्लोबली अपना जो है कहना चाहिए कि एक इम्पैक्ट रख रहा है, और साइकोलॉजिकली और फिजिकली पूरी दुनिया को उसने मुतासर किया है। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आज मैं कुछ आपके सवालात के जवाब देना चाहती हूँ, जिसमें कोरोना वायरस और लॉकडाउन से जुड़े नफसियाती मसाइल क्या हैं। सबसे पहला ये सवाल है, लोग पैनिक काफ़ी ज़्यादा हैं, एनजाइटी काफ़ी ज़्यादा है, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है, और स्ट्रेस की वजह से आपको बताते चलें कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो रही है, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस लेंगे, जितना आप नेगेटिव फीलिंग्स की तरफ जाएंगे, आपका एटीट्यूड में प्रॉब्लम होगा, आपकी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम होगा। तो ये एनजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसका जो है हमारी जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा शिकार हैं। क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो नफसियाती जंग से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो आपकी एनजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये जो आपको बीमारियां लाहक हो रही हैं, उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत तभी बेहतर होगा जब आप जहनी और जिस्मानी तौर पर बेहतर होंगे। तो जहनी और जिस्मानी तौर पर बेहतर होने के लिए आपने अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कैसे आपने बेहतर बनाना है? विटामिन सी का इस्तेमाल, विटामिन सी हमारे पास स्ट्रॉबेरीज में है, हमारे पास लेमन में है, हमारे पास ऑरेंज में है, आप उसका इस्तेमाल यकीनी बनाएं। उसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, हेल्दी डाइट लें, सादा गज़ा खाएं, और ऐसी गज़ा खाएं कि जिसमें आप अपने आप को डाइजेस्ट अच्छे से कर लें, और फिर फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें। फिज़िकल एक्टिविटी पे मेरा बहुत जोर है, क्योंकि ये आपकी चिड़चिड़ापन को ख़त्म करेगा, ये आपके डिप्रेशन को ख़त्म करेगा। वॉक करें, अगर आप वॉक कर सकते हैं, अगर आपके पास लॉन है, या अगर आपके घर में ऐसी अवेलेबिलिटी है, आप धूप में बैठें, विटामिन डी लें, लाजमी बैठें। और फिर उसके बाद ये कि अपनी खुराक जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ जो है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, डिटॉक्स करें खुद को, ऐसे ऐसी इंफॉर्मेशन ना बार बार पढ़ें जो आपको डिप्रेशन का शिकार करती है या स्ट्रेस का शिकार करती है। और ये अगर आप इस नफसियाती जंग को जीतना चाहते हैं तो वो तब आप जीतेंगे जब आप जहनी तौर पर स्ट्रांग होंगे, जब आप जिस्मानी तौर पर स्ट्रांग होंगे, और जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर स्ट्रांग आप तभी होंगे जब आप इन हालात का मुकाबला कर सकेंगे। तो इन हालात के मुकाबले के लिए सबसे पहला काम आपने करना है कि एहतियात, अपने और अपने से जुड़े लोगों की जो है वो सेहत को यकीनी बनाना है। दूसरा काम ये करना है कि आपने अपना और अपने रब का रब्ता जो है वो मजबूत रखना है, ताकि आपका जो तवक्कल है वो बरकरार रहे और ईमान आपका कायम रहे। और फिर उसके बाद थर्ड आपने जो काम करना है वही करना है कि मस्बत सोचना है, थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिविटी जो है वो कैसे आएगी कि जब आप अच्छा सोचेंगे तो वो आपके किरदार के ऊपर उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट होगा। हज़रत अली का कौल है जो मैं हमेशा हर जगह पर नरेट करती हूँ, मैं यहाँ पर भी ऐड ऑन करना चाहूँगी कि तुम अपनी सोच बदलो, तुम्हारे अल्फाज बदल जाएंगे, तुम्हारे अल्फाज बदलेंगे तो तुम्हारा किरदार बदल जाएगा। तो इतना आसान है अपने थॉट्स को बदलना, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें। आप अपने थॉट्स के अंदर क्या इनपुट डाल रहे हैं वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और देखें, ये जो वायरस आया है इसके बाद ज़िंदगी ऐसी नहीं रहेगी, बहुत बदल जाएगी। तो इसने एक चीज़ हमें सिखाई है, वो ये सिखाया है कि इंसान कम रिसोर्सेज में भी ज़िंदा रह सकता है, इंसान चंद जोड़ों में भी ज़िंदा रह सकता है, और सादा खुराक खा के भी इंसान ज़िंदा रह सकता है। हमने अपनी लाइफ को जो इतना मुश्किल बनाया हुआ था, और हम एक जो लेयर्स के पीछे भाग रहे थे, नेसेसिटी छोड़ के हम लेयर के पीछे भाग रहे थे, तो ये एक बेस्ट मौका है इस चीज़ को समझने का कि इंसान की ज़रूरियात बहुत महदूद हैं जबकि ख्वाहिशात लामहदूद हैं। तो अपनी अपना जो है वो एहतसाब करें, और इंशाल्लाह हम हर हालात से, हर मुश्किल से इंशाल्लाह ज़रूर बाहर निकल आएंगे। वो वक्त दूर नहीं है कि जब हम दोबारा से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ होंगे, बस आपको एक हफ़्ता और इंतज़ार करना पड़ेगा, और उसके बाद सब कुछ बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।